लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस अकेडमी, दिस इज अब्दुल कदीर मालिन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर, और उसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास है जी 3.4। अब 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके तकरीबन हमारे पास 21 पार्ट्स थे, तो वो मैंने आपके साथ वन बाय वन पार्ट्स को डिस्कस किया। अगर किसी स्टूडेंट्स को वो पार्ट्स नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और लेक्चर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी इंटीग्रेशन के ऊपर लेक्चर हो चुके हैं उनको आप प्रिपेयर करें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे तकरीबन इसके 8 पार्ट दिए गए हैं और इंशाल्लाह हम इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन लेट कर ले आप, लेट आई इज इक्वल टू पार्ट नंबर 1 है हमारे पास tan x रे टू पावर 4 dx। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास डायरेक्ट तो tan 4 की इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, अगर हमारे पास यहाँ पे होता secant square साथ में होता तो फिर तो tan का डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो फिर हम पावर रूल को यूज कर सकते हैं। अब कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है तो मैं डियर स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि आई इज इक्वल टू tan square x डॉट tan square x, ये मैंने कर दिया डिफरेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी एक टैन में इसकी वैल्यूज को लगा दो। इसकी वैल्यू क्या होती है जी, हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा जो कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक थी हमारे पास, जब मैं इसके फार्मूला को डिस्कस कर रहा था, ये मेरे पास इक्वल होता जी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया मेरे पास। अब इस टैन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी tan स्क्वायर डॉट secant स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x dx, या अब आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x का होल स्क्वायर डॉट secant स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx या डिफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ये फंक्शन है और फंक्शन का भी डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास tan का डेरिवेटिव होता है जी secant स्क्वायर। सो मैं फार्मूला भी मेंशन कर रहा हूं, एज हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी पावर हो n और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम उसको लिख सकते हैं जी f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 भी कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये कर देते हैं। तो यहां पे देखिए tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास क्या होता है जी secant स्क्वायर, तो इट मींस कि tan का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ गया जी tan x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस, इस tan को आप लिख रहे हैं अगेन यहां पे इसकी वैल्यूज को यूज करें secant स्क्वायर x माइनस 1 dx, या सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया ये i इज इक्वल टू tan x रेज टू पावर 3 ओवर 3 माइनस, अब secant में मतलब चले मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे secant स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx, ये आ गया मेरे पास। इंटीग्रल I इज इक्वल टू tan क्यूब x ओवर 3 माइनस,
अब secant square की हमारे पास integration मौजूद है। अब ये same वही question है जो हमने I think so question exercise 3.2 के अंदर इसका एक last part question number 2 का हमने last part देखा, same उसी तरह का ये भी question है। तो बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि secant square की integration क्या होती थी, tan होती है। तो ये मेरे पास क्योंकि secant square की तो integration मौजूद है, tan की नहीं है, tan square की, इसलिए मैंने यहाँ इसका formula use किया। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा कि tan x जो कि secant square की integration है और 1 की integration with respect to x, x आ जाएगा कि plus integration constant, ये मेरे पास part number 1 का answer आ जाएगा। Next मेरे पास BS में इसका part number 2 है। पार्ट नंबर 2 देखें तो उसके अंदर हमें गिवन है जी, आप यहां भी लेट कर रहे हैं, लेट i इज इक्वल टू secant 4x, secant 4x dx, ये हमें गिवन है, इसको हमने इवेलुएट करना है जी। तो dx में आप इसको भी लिख ले, i इज इक्वल टू secant square x dot secant square x, आप 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह हमने 10 को लिखा। अब यहां पे अगेन आप secant square की वैल्यूज पुट करें, secant square की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि असल में आपके पास ये फार्मूला होता है जी 1 plus tan square x is equal to secant square x या थीटा हो, तो secant tan की वैल्यूज निकालनी तो 1 को इधर ले आते हैं। अब secant की वैल्यू क्या होगी जी, 1 plus tan square, तो इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, i is equal to 1 plus tan square x into secant square x dx, secant को dx के अंदर मल्टीप्लाई करवा दे secant square को, ये मेरे पास आएगा कि secant square x plus tan square x dot secant square x into dx, ये आ गई। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, i is equal to secant square x dx plus tan x का whole square dot secant square x dx जी। तो dx में हम जानते हैं अभी हमने secant square की integration की, वो हमारे पास होती है जी tan, so tan x आ जाएगा जी plus, again देखिए function का क्या derivative मौजूद है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी same यही काम, तो ये मेरे पास आएगा जी tan 3x over 3 plus integration constant, ये मेरे पास इसका final answer आ जाएगा। क्योंकि dx में ये एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग भी आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको किसी पार्ट के अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e रे टू पावर x sin 2x cos 2x dx। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको सिंगल फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू 1 by 2 e raised to power x 2 sin 2x cos x dx। मैंने क्या किया जी, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब dx में हम यहां पे यूज करेंगे प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम हमने फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं, सिंस कि जो हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन साइन अल्फा माइनस बीटा, ये पढ़ा था इक्वल हमारे पास होता है जी टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा। ये हमने अपने जब चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर के अंदर, देन हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हम किस तरह प्रोडक्ट टू सम जाते हैं। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम इस फार्मूलाज की हेल्प से इसको पहले सम की तरफ लेके जाएंगे। सो i इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, ये मेरे पास आएगा जी sin, अब अल्फा मेरे पास क्या है जी, ये सारा अल्फा है और ये x जो है वो बीटा है, तो ये मेरे पास आएगा जी 2x plus x एंड प्लस sin 2x minus x dx, ये आ जाएगा i is equal to 1 by 2 integration e raised to power x sin 3x plus sin x dx, yeah exponential ko andar multiply karwa de, i is equal to 1 by 2 yaad hai ki mere paas
e raised to power x sine 3x plus e raised to power x sine x into dx. ये आ रही है मेरे पास. अब ds इसको मैं इंडिविजुअली इसके ऊपर पहले क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ. सो ये मेरे पास आ जाएगा जी I is equal to 1 by 2 into integration e raised to power x sine 3x plus integration e raised to power x sine x dx. यहाँ पे भी ds में सारा dx डाल दें plus the sine. क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, फर्दर इसको इस फॉर्म में लिख रहे थे कि 1 by 2 into I1 plus I2, where उसको बताते हैं जी, where जो हमारे पास I1 है वो equal है integration e raised to power x sin 3x, और जो मेरे पास I2 है वो equal है e raised to power x sin of x. यहाँ पे बेटा dx भी डाल दिया. इन दोनों को हम करते हैं evaluate, और जो हमारे पास इनका आंसर आएगा वो हम इस इक्वेशन में लगा देंगे तो रिक्वायर्ड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. जीरो डीएस में सबसे पहले हम लिखते हैं कि आई वन, आई वन है जी हमारे पास, आई लेट रिकॉर्डिंग मैं इसको रीअरेंज भी कर रहा हूँ कि पहले हमारे पास साइन थ्री एक्स आएगा और बाद में हमारे पास एक्सपोनेंशियल आएगा डी एक्स. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय पार्ट, ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है. ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने ये पेपर में काम नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, और सेकंड की हम करते हैं जी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल डी एक्स. सो डी एस मीन्स ये मेरे पास आएगी जी साइन 3x, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है जी, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस. सो बेटा मेरे पास आएगी जी, और एंगल देखा मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 3x आएगा, तो 3x होगा तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं जी 3 cos 3x और डॉट e raised to power x, क्योंकि e raised to power x की इंटीग्रेशन e raised to power x ही होती है. ये आगे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, सो sin 3x डॉट e raised to power x minus 3 इंटीग्रेशन cos 3x डॉट e raised to power x dx ये आ गए. जीरो डी एक्स हम अगेन यहां पे बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. i1 इज इक्वल टू sin 3x dot e raised to power x minus 3 into first function as it is, exponential की integration क्या होगी जी, चलो मैं step कर देता हूँ जी, e raised to power x minus integration derivative of cos 3x integration exponential dx into dx ये आ गया मेरे पास, और ब्रैकेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लोज जी. तो ds में ये मेरे पास आएगा जी i1 is equal to sin 3x dot e raised to power x minus multiply करवा रहा हूँ मैं minus 3 cos 3x dot exponential की integration exponential ही होती है. अब ds में हमें पता है cos की integration cos का derivative क्या, तो जी minus sin, तो ये मेरे पास आएगा जी minus minus plus प्लस 3 माइनस 3 साइन 3x ये मैंने लिख दिया, और साथ में एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, अगेन एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगी, माइनस को आप बाहर निकाल दें, सो प्लस माइनस माइनस, सो i1 इज इक्वल टू साइन 3x डॉट e रेज टू पावर x माइनस 3 cos 3x डॉट e रेज टू पावर x माइनस माइनस प्लस 3 3s आर 9, जब 3 को बाहर निकालेंगे बाकी मेरे पास बच गया जी सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बेटा माइनस आएगा माइनस, और ये मेरे पास आ गया जी साइन 3x डॉट e रेज टू पावर x dx ये आ गया. अब गौर करें
तो ये मेरे पास अगेन इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मतलब दोबारा कभी कॉस आएगा कभी साइन आएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है अगेन आई वन की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें तो ये मेरे पास आएगा कि आई वन इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस नाइन आई वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी वन लगा दें, एंड पे जाके जब हम पुट करेंगे तो अगेन उनको कंबाइन करके सी लगा दें। नेक्स्ट मेरे पास इधर आएगा तो नाइन इधर आएगा तो माइनस का नाइन इधर आके प्लस का नाइन होगा तो ये आ गया जी मेरे पास टेन आई वन। ठीक है, ये जब इधर आएगा आई आई ये है और ये जब इधर आएगा प्लस का नाइन सो नाइन आई दोनों ऐड होंगे तो टेन आई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स एक्सपोनेंशियल ये आ गई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी I1 is equal to 1 over 10 sin 3x dot e raised to power x minus 3 cos 3x dot e raised to power x plus integration constant C1। अब ये I1 की वैल्यू आ गई, इस वैल्यूज को हम यहाँ पे लगाएंगे लेकिन अभी हम क्या करते हैं जी I2 को भी इवेल्युएट कर लेते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स I2 I2 is equal to integration sine x dot e raised to power x dx। इसको मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा ताकि तो वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो और दूसरा आपको समझ आ चुकी है कि हम इंटीग्रेशन का पार्ट कैसे करते हैं। तो बेटा मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e raised to power x की इंटीग्रेशन होती है जी e raised to power x से। ठीक है जी, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी कॉस और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन अगेन एक्सपोनेंशियल ये आ जाएगी मेरे पास। सो आई टू इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस यहाँ पे अगेन बाय पार्ट अप्लाई करें कॉस एक्स एज इट इज एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा जी माइनस साइन। सो माइनस साइन एक्स एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होगी डी एक्स ये आ गई। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई किया आप एक स्टेप कर लीजिएगा I2 is equal to e raised to power x sin x इसको मल्टीप्लाई करा दें माइनस cos x e raised to power x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस sin x dot e raised to power x dx ये आ गई। जब इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये आ गई और ये अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई आई टू की। ये आ गई मेरे पास आई टू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस आई टू। इसको उठा के इधर ले आए, इधर आके प्लस का होगा तो टू आई वन सो टू आई टू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स यहाँ पे बेटा सी टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा दें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो I2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 1 ओवर 2 e रेज टू पावर x sin ऑफ x माइनस cos ऑफ x डॉट e रेज टू पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। या पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1 सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ the values of I1 and I2 in 1 तो जब आप 1 में लगाएंगे so मेरे पास answer आ जाएगी जी I is equal to half और यहाँ पे बेटा आप I2 की I1 की पहले values लगाएं तो वो आएगी आपके पास 1 over 10 sin 3x e raised to power x minus 3 cos 3x e raise to power x plus c1 or plus 1 by 2 ये आ जाएगी मेरे पास 1 by 2 e raise to power x sin x minus cos of x e raise to power x plus c2। अब आपने जस्ट इसको क्या कर लेना जी सिंपलीफाई कर लेना है तो हम यहां से कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट मेरे पास i इक्वल आ जाएगा जी i इज इक्वल टू अब देखें इसमें से डिविजन हमारे पास कॉमन आ रहा है जी e रेज टू पावर x
और इसमें से भी हमारे पास कॉमन आ रहा है जी e raised to power x, तो ये मेरे पास आएगा जी 1 over 2 और e raised to power x over 10, अंदर बच गई मेरे पास sin 3x and sin 3x minus 3 cos 3x plus c1 plus again, इसमें से भी आप e raised to power x को कॉमन ले लें तो ये आएगा कि आपके पास e raised to power x over 2, अंदर बच गई मेरे पास sin x minus cos x plus c 2 याद रखिए मेरे पास। अब देखिए यहां से जब मैं 2 को कॉमन लूंगा 1 by 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं और एक्सपोनेंशियल को भी अगेन कॉमन ले लेता हूं ये मेरे पास आएगा कि e raised to power x over 2 2s are 4 जब मैंने 2 को बाहर निकाला 1 over 2 को अंदर मेरे पास बच के जी 1 over 5 sin 3x मल्टीप्लाई करवा रहा हूं जी मैं अंदर और minus 3 over 5 cos 3x plus ये जब मैंने इसमें से बेटा 2 को कॉमन लिया था तो इधर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी सो 2c1 plus sin x minus cos of x और plus 2c2 ये आ गया सो i is equal to मेरे पास आ गया कि e raised to power x over 4 into 1 over 5 sin 3x minus 3 over 5 cos of 3x plus sin x minus cos x अब देखिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम दे दूंगा जस्ट c का तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी पार्ट नंबर 4 लेट कर लें आप लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan tan 3x tan 3x secant x dot dx याद अब dx स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यहां पे सिंपल सा काम है इसको आप लिख लें i इज इक्वल टू tan को लिख लें जी tan स्क्वायर x डॉट एक tan इसके साथ लिख दें tan x secant x dx याद रखिए बस अब यहां पे आप tan की वैल्यूज लगाएं tan की हमारे पास वैल्यू है जी secant स्क्वायर x minus 1 एंड tan x secant x dx याद रखिए i इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दें secant स्क्वायर x डॉट secant x tan x या भी मेरे पास माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा और ये 1 से जब मल्टीप्लाई हो तो ये आएगा कि मैंने रीअरेंज कर लीजिए secant x tan x इनटू dx या इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x डॉट secant tan x माइनस साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन secant x tan x dx या आ गया अब dx में secant का डेरिवेटिव क्या होता है जस्ट secant का डेरिवेटिव होता है secant dot tan अब फंक्शन का ये फंक्शन और इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो अकॉर्डिंग रूल अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा तो ये मेरे पास आएगा जी secant 3x over 3 और इसकी भी इंटीग्रेशन मेरे पास मौजूद है इंटीग्रेशन secant x tan x मेरे पास होती है जी जस्ट secant x plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ये तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी पार्ट नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब डॉट e रेज़ टू पावर 5x अब हमारे पास यहां पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है और उसकी मैक्सिमम पावर है 3 तो इसके ऊपर हम 3 टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम इसके ये हमारे पास पहला फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट
हमारे पास क्या होता है जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल है e टू पावर 5x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी e टू पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो x क्यूब है ये मेरे पास आएगा जी 3x स्क्वायर, और इसका हम अगेन एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास 5x ओवर 5 dx या आ गया। अब मैंने थोड़ा dx में डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई किया, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, इसमें से हम बाहर काम ले लेते हैं जी i x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x dx या आ गया। अगेन हम यहां पे इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई करेंगे I is equal to x cube e raised to power 5x over 5 minus 3 over 5 x square function as it is exponential की integration क्या होगी जी e raised to power 5x over 5 minus x square का derivative क्या होगी जी 2x और exponential की integration again 5x over 5 dx या आगे बेटा यहाँ पे मैंने again integration by part apply कर दिया, तो ये मेरे पास है कि इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें आप x क्यूब e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 बेशक इधर मल्टीप्लाई करवा दें आप ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 ओवर 5 5 इज 25 x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x माइनस माइनस प्लस सो 3 ओवर 5 ये आ जाएगी मेरे पास, और इसमें से अगेन आप बाहर निकाल लें मल्टीप्लाई में 2 ओवर 5 इंटीग्रेशन x डॉट e रेज टू पावर 5x dx याद है मेरे पास, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू x क्यूब e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x प्लस 6 ओवर 25 या ये मेरे पास यहां पे बेटा आप अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होगी जी e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 5x ओवर 5 dx ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें सो i इज इक्वल टू x क्यूब e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ गया मेरे पास 6 ओवर 25 इनटू 5 ये मेरे पास आएगा जी 125 और साथ में x e raise to power 5x minus 6 over 25 integration e raise to power multiply by बेशक आप इसको बाहर लिख लें ठीक है जी आप इसको बाहर लिख लें 1 over 5 integration e raise to power 5x dx याद रखिए। अब देखिए यहाँ से मेरे पास x मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है तो अगेन आप इस इंटीग्रेशन ले लें सो i इज इक्वल टू x क्यूब e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x प्लस 6 ओवर 125 x डॉट e रेज टू पावर 5x माइनस जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 6 ओवर 125 और इसकी एक्सपोनेंशियल की आएगी मेरे पास e रेज टू पावर 5x ओवर 5 बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जस्ट इसको आप प्रोडक्ट इसका ले लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर 5x प्लस 6 ओवर 125 x डॉट e रेज टू पावर 5x माइनस 6 ओवर आई थिंक सो 625 जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 620 5 e raise to power 5x plus c इसमें से बेशक e raise to power 5x को कॉमन ले लें तब भी ठीक है यहाँ चीज रहने दें तब भी ठीक है तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 है लेट कर लें आप लेट i is equal to integration e raise to power minus x sin 2x sin 2x याद है सो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है हमने इसको आई थिंक सो पार्ट नंबर जब हम डिस्कस कर रहे थे इसका
पार्ट नंबर थ्री, तो उसके अंदर हमने इसी को सेम डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, ई एस टू पावर माइनस एक्स है। तो बेटा आपने इसको एज इट इज ही करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, आई इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन ये है और ये है आपके पास सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2x एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, सेम होती है, जो उसके साथ कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2 cos 2 2x डॉट e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर माइनस 1 dx। यहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू साइन 2x डॉट e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर माइनस 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगी जी, और 2 को आप बाहर लिख लें, तो ये आ गई मेरे पास cos 2x डॉट e रेज़ टू पावर माइनस x dx, ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस शुरू में आ जाएगी जी, sin 2x डॉट e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 2। यहां पे अगेन आप इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर माइनस 1 माइनस cos का डेरिवेटिव होता है जी माइनस 2 शुरू में आ जाएगा जी sin 2x, और साथ में मेरे पास आएगा जी e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर माइनस 1 dx, ये आ जाएगा। अब dx में सब क्या करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, ये आएगा कि माइनस टू माइनस साइन टू एक्स डॉट ई रेज टू पर माइनस एक्स, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस टू कॉस टू एक्स डॉट ई रेज टू पर माइनस एक्स, ये हुई माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस अगेन जब बाहर आएगी तो ये आ जाएगी माइनस टू, टू टू आर फोर, ये टू और ये टू जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फोर इंटीग्रेशन साइन 2x dot e raised to power minus x dx, ये आ गई मेरे पास। अब dx से ये अगेन हमारे पास i की वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास आएगी i is equal to minus sin 2x dot e raised to power minus x minus 2 cos 2x dot e raised to power minus x minus 4 i, इसको उठा किधर ले आते यार, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और i और प्लस 4i ऐड होंगे तो हमारे पास 5i is equal to minus sin 2x e raise to power minus x minus 2 cos 2x, यहाँ पे integration constant लगा दें, e raise to power minus x, so 5 इधर multiplying हो रहा है, इधर आके divide हो जाएगा, so i is equal to 1 over 5, बेशक आप इसमें से common ले लें minus e raise to power x को, e raise to power minus x को common ले लें, बाकी आपके पास बच गई थी sin 2x plus 2 cos of 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6, अब हम चलते हैं पार्ट, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पार्ट नंबर 6 का बताता चलूं, तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे, तो ये हमने सिंपली पढ़ करके आंसर लिया, जो आपकी बुक के पीछे आंसर है वो इस फॉर्म के अंदर, ये कैसे आता है, जस्ट 2 इसमें से कॉमन ले लें तो यहां से जब 2 बाहर जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, यहां तक रहने दे तब भी ठीक है, ये बनाना है तो आपकी मर्जी है, जैसे आप लिखना चाहें, बाय द वे दोनों आंसर ठीक है जी। तो डीएस हमारे पास पार्ट नंबर 7 में कहता है जी i is equal to integral e raise to power 2x cos 3x dx, सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं, इंटीग्रेशन में पार्ट हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी, cos 3x dot e raise to power 2x dx, ये है जी हमारे पास सेकंड फंक्शन और ये है जी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, अकॉर्डिंग आई ए रूल जो हमने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं जी, i is equal to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन तो वो हमारे पास आएगी जी 2x ओवर 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो माइनस 2 सॉरी माइनस 3 आएगा शुरू में, 3 sin 3x, ये आ जाएगी इसकी इसका डेरिवेटिव, और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आएगी जी 2x ओवर 2 dx, या सो i इज इक्वल टू cos 3x डॉट e रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, सो 3 और 2 को बाहर निकाल दें, सो 3 बाय 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास sin 3x डॉट e रेज़ टू पावर 2x dx, यहां पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करें, सो i इज इक्वल टू cos
3x dot e raised to power 2x over 2 plus 3 by 2 into first function as it is, sine 3x as it is, exponential of the integration 2x over 2 minus derivative of first function, तो वो मेरे पास आएगा जी 3 cos 3x और साथ में आएगा जी e raised to power 2x over 2 की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल की तो ये आएगी जी साथ में dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो i is equal to cos 3x dot e raised to power 2x over 2 प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी मेरे पास 3 by 4 sin 3x dot e raised to power 2x ये आ जाएगी मेरे पास और माइनस जब ये आएगा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 को भी मैं बाहर ले आऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस माइनस माइनस सो 3 3s आर 9 9 2 2s आर 4 सो 9 by 4 इंटीग्रेशन cos 3x dot e raised to power 2x dx ये आ जाएगी मेरे पास। अब dx में ये हमारे पास वैल्यू किसकी है जी i की वैल्यू है, यहां पे इसकी वैल्यूज लगा दें तो ये मेरे पास आएगा जी i is equal to cos 3x dot e raised to power 2x over 2 plus 3 over 4 sin 3x dot e raised to power 2x minus 9 over 4 i, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा जी प्लस का प्लस 9 over 4 i is equal to cos 3x dot e raised to power 2x over 2 plus 3 over 4 sin 3x dot e raised to power, यहाँ पे integration constant भी लगा दें, e raised to power 2x plus integration constant। अब जिस इसका जब आप LCM लेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 13 over 4 is equal to, इसमें से आप d students क्या करें 4 और e raised to power x को common ले लें, या अगर ये आपके पास e raised to power 2x common आ गया और साथ में मैं 1 over 4 को भी कॉमन ले रहा हूं, ये बात देखिए इसको एक दफा देखिएगा, जब मैंने इसमें से e raised to power 2x को कॉमन लिया और यहां से मैंने 4 कॉमन लिया असल में तो यहां पे 2 है सो जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूंगा तो 2 अदर इसमें इसके साथ क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 cos 3x और यहां पे जस्ट मेरे पास 3 sin 3x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये बन जाएगा, या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह कर लें पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और 2 से डिवाइड भी करवा दें तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा जी 4 बन जाएगा, अब आप e raised to power 2x को बाहर ले लें और 1 over 4 को भी बाहर ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा, यहां से बेटा 4 4 से वर्क कैंसिल आउट तो आंसर फाइनल मेरे पास क्या आ गया जी मैंने डायरेक्ट कर दिया जी दिस इंप्लाइज दैट ये इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड होगा सो 1 over 13 e raised to power 2x सो 2 cos 3x plus 3 sin 3x plus integration constant ये मेरे पास इसका final answer आ जाएगा। So ये था हमारे पास part number 7, अब हम चलते हैं part। तो dear students हमारे पास last part है जी part number 8 और जो part number 7 है वही same जिस तरह इसके previous part में हुआ कि आपने यहाँ से कॉमन लेना है तो आपका बुक की ही तरह आंसर बन जाएगा, अगर यहाँ तक रहने दें तब भी ठीक है, इसमें से डी इसमें से आपने 3 को जब कॉमन लेना है तो इधर से जब 3 बाहर जाएगा तो इधर असल में वो डिवाइड हो जाएगा, साथ में मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये इसका आंसर है, यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपनी नेचर के लिहाज से सबसे मुख्तलिफ क्वेश्चन है, कैसे यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाएंगे लेकिन होगा सेम हमारे पास सेम फंक्शन, क्या मैंने बात की अभी देखें डीएस में आप इसको लिख लें i इज इक्वल टू कॉस सॉरी कोसेकेंट कोसेकेंट स्क्वायर x डॉट कोसेकेंट x dx या अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट से उसमें कभी हमारे पास फंक्शन होता था अलजेब्रिक फंक्शन साथ होता था साथ में कभी इनवर्स आ जाता है यानी कि मतलब दोनों फंक्शन मुख्तलिफ होते थे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके ऊपर भी हम इंटीग्रेशन पे पार्ट ही अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो डीएस में जब ऐसा मतलब सिनेरियो बन जाए कि हमारे पास दोनों के दोनों सेम फंक्शन बन जाए तो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आपको आप किसको पहला फंक्शन रखना चाहते हैं और किसको सेकंड फंक्शन रखना चाहते हैं। सो अगर डीएस में देखें तो मैं यहां पे क्या करता हूं इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं,
ठीक है जी, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों हमारे पास कोसेकेंट की भी है, कोसेकेंट x की भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है जो कि नेचुरल लॉग कोसेकेंट माइनस कॉट में चली जाती है। तो अगर हम कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है जी, माइनस कॉट आती है। तो इसलिए ये थोड़ी आसान है इंटीग्रेशन के लिहाज से, तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लें। लेकिन आपकी अपनी मर्जी, आप जिसको चाहे पहला फंक्शन मान लें, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट आई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसेकेंट एक्स, और बेटा सेकंड की इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट into integration of cosecant square x dx whole dx, ये आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे complete integration by part का formula लिख दिया। अब I is equal to cosecant x, अब cosecant square की जो integration होती है वो हमारे पास होती है जी minus cot x, ये आ गया। अब dear students, हमारे पास cosecant की integration क्या होती है, सॉरी कोसेकेंट का डेरिवेटिव, कोसेकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी कोसेकेंट x डॉट cot x और साथ में माइनस। सो डियर नेक्स्ट मेरे पास ये आएगा जी कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी माइनस cot x dx, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अब डियर आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा इसको, i इज इक्वल टू माइनस शुरू में आ जाएंगे जी cosecant x dot cot x minus, ये minus minus, plus cosecant x dot cot square x dx, ये आ जाएगा। i is equal to minus cosecant x dot cot x minus cosecant x, और cot की हम यहाँ पे वैल्यूज यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास है जी cosecant square x minus 1 dx, ये आ गई। ठीक है, ये हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी कि आई नो दैट के 1 प्लस cot square theta इज इक्वल टू cosecant square थीटा, तो इधर वन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास cot square की वैल्यू आ जाएगी। बाय द वे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, i इज इक्वल टू माइनस cosecant x डॉट cot x माइनस cosecant, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो cube x एंड माइनस cosecant x इनटू dx, या इंटीग्रेशन इंडिविजुअली अप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू माइनस cosecant x डॉट cot x minus cosecant square x sorry cube x minus minus plus, ये minus minus plus हो गए, integration cosecant x dx क्या है। अब ये सारा का सारा मेरे पास equal है i के, तो ये मैंने इसकी values यहाँ पे लगा दी minus cosecant x dot cot x minus i, और हम जानते हैं कि cosecant की integration क्या होती है जी natural log cosecant x माइनस कॉट x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इसको उठा के इधर ले तो ये इधर आके प्लस का होगा, तो 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x डॉट कॉट x प्लस नेचुरल लॉग कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो i इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गई 1 ओवर 2 into minus cosecant x into cot x plus natural log cosecant x minus cot of x plus integration constant। so ये बेटा इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन कांस्टेंट ही आएगा, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसके 8 पार्ट थे और बड़े लेंथी पार्ट थे जिनको मैंने आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किया।
अगर किसी स्टूडेंट्स को इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड रेटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूर कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह तबारक ताला। अगर जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह तबारक ताला मैं 100% कहता हूँ कि वो 100/100 नंबर लेंगे, और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं ले रहे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली मेरे नोट्स को ज़रूर लें, और इंशाल्लाह आप भी जो है वो मैथ के अंदर 100/100 नंबर है जी। तो डिस्टेंस अगर ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।